आम जन की सुनवाई को लेकर जो है जिस तरह से जनता में मैसेज पहुंचे इसको लेकर मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा जो है लगातार ये बात कह रहे हैं और अपने मंत्रियों और प्रभारी सचिव जो हैं उनको उन्होंने कहीं तौर पर स्पष्ट हिदायत भी दी है। इस वक्त हम बीकानेर में हैं, मेरे साथ हैं प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री सुमित गोदारा। सुमित गोदारा के बारे में एक चीज़ कही जा सकती है जो कि पॉजिटिव थिंक है, नेताओं में कम देखने को मिलती है कि जब वो विपक्ष में थे बतौर विधायक जो थे उन्होंने अपने विधानसभा क्षेत्र के हर गांव को कहीं ना कहीं नापा और उसी स्टाइल में अब वो जनसुनवाई भी कर रहे हैं क्योंकि विपक्ष में लगातार जिस तरह से आवाज़ उठाते रहे अब उनको लगता है कि नहीं जनता में पीड़ा है तो उसी हिसाब से उसको सुनना चाहिए। और आज बीकानेर आवास पर हैं, 1-to-1 जो है जो लोग आए हुए हैं मिलने के लिए काफ़ी बड़ी संख्या में लोग हैं और उनसे मिल रहे हैं। कहा यह भी जाता है कि जब लोग ज़्यादा आते हैं तो उसके दो अर्थ निकलते हैं, या तो समस्या ज़्यादा है या उम्मीद ज़्यादा है। तो सुमित जी क्या देखें, समस्याएं ज़्यादा हैं या आपसे उम्मीद ज़्यादा है? देखिए जीवन है, जीवन का नाम ही समस्या है रहेगी और जीवन में ऐसा कभी समस्या भी समाज हो भी नहीं सकता। और ये हमारा धर्म है और माननीय मुख्यमंत्री जी का निर्देश भी है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा आमजन के बीच में रहें और आमजन के बीच में रहेंगे तो बिल्कुल जनता आएगी, चाहे छोटा काम हो बड़ा काम हर तरह का काम, पर छोटा बड़ा काम तो हमारे लिए हो सकता है पर जो व्यक्ति पीड़ित है उसके लिए तो काम बड़ा है। तो हमारा यही प्रयास होता है कि उसका समाधान करें। जो तरह से देखते हैं और क्या कुछ इसमें अपडेट है क्योंकि 15 तारीख को भी डेडलाइन दी है खाद्य सुरक्षा योजना को लेकर। बिल्कुल, ये 15 अगस्त को EKYC हम जो करा रहे हैं विभाग में, जो सुप्रीम कोर्ट का निर्देश है, राजस्थान में 4,46,00,000 की सीलिंग है जिसमें लगभग 4,37,00,000 के उपभोक्ताएँ हैं, लाभार्थी हैं जिनको लाभ मिल रहा है। अब उसमें हम 8 से 9 लाख जो रिक्त स्थान है उनको भी भर रहे हैं और अगले 2 माह में वो भी पूरे हो जाएंगे और साथ में जो सुप्रीम कोर्ट के निर्देश अनुसार EKYC का लगातार निरंतर चल रहा है, लगभग 3,52,00,000 लोगों ने EKYC करा लिया जो लगभग 82% के आसपास बैठता है। तो आने वाले समय में हमने 15 अगस्त तक EKYC मैंडेटरी कर दी ताकि उसके बाद जो वंचित हैं, क्योंकि कुछ जगह सुनने में भी आ रहा है, कुछ जगह ऐसी बात भी आई है कि कई जगह वो राशन कार्ड का सही उपयोग हो नहीं पा रहा, तो इस तरह EKYC के माध्यम से कुछ संख्या इसमें भी कम होगी, रिक्त होगी। और फिर आने वाले समय में पक्ष विपक्ष सबका धन्यवाद देता हूँ, विपक्ष के साथियों का भी, जो विधानसभा में जब हमारे खाद्य और नागरिक आपूर्ति विभाग की मांग आई तो उसमें सभी साथी एक मत होकर सभी ने ये बात रखी कि जो सक्षम लोग हैं उनको इस खाद्य सुरक्षा से बाहर किया जाए और बहुत सारे वंचित लोग आज भी हैं जो वास्तव में जिनको आवश्यकता है उनको इस सूची में जोड़ा जाए। तो उसके लिए मैं विपक्ष के साथियों का भी पक्ष के साथियों की तरह धन्यवाद देना चाहूँगा। सुमित जी बात तो होती है इस बारे में, जैसा कि आपने कहा एक अच्छी शुरुआत है, सक्षम लोग, क्या वाकई में सक्षम लोग हटेंगे और हटेंगे तो कब तक? बिल्कुल हटेंगे, आपको अगले अब ये जो EKYC का प्रक्रिया चल रही है उसके बाद हमारा अगला अभियान इसी पे और आपको बिल्कुल इसके रिजल्ट मिलेंगे और इस रिजल्ट के लिए हम बड़े बिल्कुल सख्त कदम उठाएंगे क्योंकि हम भी ये चाहते हैं। और जब विपक्ष के साथी भी पक्ष के साथी सब एकमत हो, सारा सदन एकमत हो तो हमारा धर्म बनता है कि उसको हम जल्दी से जल्दी करें। और मैं आपको बताते कई हमने नवाचार का प्रयास किया, डोर स्टेप डिलीवरी एक कार्यक्रम हमने शुरू किया जिसमें 18 से कम और 60 से ऊपर जो भी एकल परिवार है जिनका एकल राशन कार्ड है और जो निराश्रित है उन लोगों को घर घर जाकर राशन उपलब्ध कराए जा रहे हैं। और एक और हमने किया कि जैसे किसी का शादी होगी तो शादी होने के बाद उस परिवार में नाम नहीं जुड़ पा रहा था तो उसकी भी हमने प्रक्रिया में उसका नाम जोड़ने की इजाज़त दे दी। तो ऐसे अनेक हमारे से जो भी प्रयास हो रहे हैं कर रहे हैं, आने वाले समय में विभाग में और भी मिलेंगे और मेरे लिए भी खुद के लिए ये चैलेंज के रूप में मैं ले रहा हूँ कि इसको, कि इस विभाग में जो वंचित है उनको मैं जोड़ के इस विभाग में कार्य करूं क्योंकि इससे वास्तव में जो अंतिम छोर पर बैठा व्यक्ति है, जो भारतीय जनता पार्टी अंत्योदय योजना का लक्ष्य यही है कि अंतिम छोर पर बैठा व्यक्ति उसका समस्या का समाधान हो, तो वो समस्या का समाधान तभी होगा जो वंचित है उसको इसमें जोड़ा जाए और सक्षम उसको बाहर किया जाए। सुमित अंतिम सवाल है मेरा, पिछली गहलोत सरकार की अगर बात करें तो एक महत्वपूर्ण योजना थी मुफ्त राशन की, वो नवंबर में बंद हो गई, इसको लेकर अभी तक कोई नया अपडेट नहीं है, बतौर मंत्री कुछ कहना चाहेंगे? तो राशन ही आपको अन्नपूर्णा किट के बारे में बात कर रहे हैं, वो 3 महीने ही चला था और वो भी विषय बड़ा चर्चा का विषय रहा कि उसमें मसाले कैसे आए, किस तरह के मसाले थे, क्या उनकी क्वालिटी थी, किस तरह का उनका उपयोग हुआ, सिर्फ और करते मुख्यमंत्री पूर्व मुख्यमंत्री जी तो उसको पूरे 5 साल चलाते। देखो यही भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस में डिफरेंस है, यहाँ आपको जो भी योजनाएं लाई जा रही, जहाँ मुख्यमंत्री जी बनते ही जो उससे पहले हमारे संकल्प पत्र में था कि 450 रुपये में गैस सिलेंडर देंगे उज्ज्वला लाभार्थियों को शुरू किया, इस बजट में जितने भी खाद्य सुरक्षा योजना के अंतर्गत लाभार्थी हैं उन सबको देने की घोषणा कर दी गई। आपके आगे बात करी कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना में पैसे दिए जाएंगे तो 8,000 रुपये राशि करी, 1,000 रुपये की किस्त, 650 करोड़ रुपये खाते में किसानों के जा चुके हैं। आप ये देखिए कि हमने माननीय मुख्यमंत्री जी ने बोनस की बात करी थी गेहूँ की, हमारे जो संकल्प पत्र में था तो 125 रुपये गेहूँ में बोनस दिया गया। आप ये बात देखिए जो हमारी बात की थी कि हमने पेट्रोल डीजल के दाम कम करेंगे, पूर्व
मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सिर्फ बात करते गए, एक रुपए भी उन्होंने कम नहीं किया। और हमारी सरकार ने 3.5 रुपये से 7.12 रुपये तक पेट्रोल डीजल के दाम पूरे राजस्थान में कम किए, जो आज तक कभी नहीं किया। ये काम भजनलाल शर्मा जी ने करके सरकार ने दिखाया। तो ये भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वह करती है, और आपको अनेक नवाचार मिलेंगे। अभी तो 6 महीने में, आप आगामी 4.5 साल में देखिए इतना विकास के आयाम होंगे कि राजस्थान की जनता खुद कहेगी ऐसा विकास राजस्थान की जनता ने आज तक नहीं देखा, जो इन 5 साल में हमें देखने को मिलेगा। मतलब अन्नपूर्णा योजना जिसकी आप बात कर रहे हैं, मतलब चाहे वो उसकी सुधार की बात हो या कोई नए तरीके से, वापस शुरू नहीं होगी? नहीं, बिल्कुल, ये तो सरकार के स्तर पर निर्णय लिया जाएगा उसका कितना लाभ मिल रहा है। कोई भी योजना उसका ये भी एक एनालिसिस करना जरूरी है, क्या उस योजना का लाभ मिला या सिर्फ हमें एक तरह से लोगों में वाहवाही लूटने का ही प्रयास किया, और वाहवाही भी उस चीज़ की कोई अच्छी चीज़ हो तो वाहवाही लूटी जाए, उसका क्या लाभ मिला नहीं मिला। यदि जनता के हित में, जब जनता के हित में जो अन्नपूर्णा रसोई योजना हमने शुरू करी, जिसका इन्होंने इंदिरा रसोई नाम किया, और उसका ये 450 ग्राम ही दे रहे थे, हमारी सरकार ने 600 ग्राम दिया कि पौष्टिक भोजन मिलना चाहिए। तो ये सरकार हमारे जो जनहित में है उसका हर कार्य करेगी, ये नहीं है कि कोई योजना बंद करी, जनहित में योजना है उसका कार्य करेगी। और यही निरंतर सरकार की माननीय मुख्यमंत्री ने मंशा विधानसभा के पटल पर भी जाहिर करी, हर जगह जाहिर करेगी, अच्छी योजनाओं को बंद नहीं किया जाएगा, पर जिन योजनाओं पर प्रश्नवाचक है उन पर जरूर विचार किया जाएगा। ये थे कैबिनेट मंत्री सुमित गोदारा, जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि पिछले 6-8 महीनों में जिस तरह से प्रदेश की भजनलाल सरकार ने काम किया है, वो जो संकल्प पत्र भाजपा ने चुनाव से पहले आम जनता के बीच में रखा था, उसी को आधार मानते हुए सरकार काम कर रही है। साथ ही सरकार ने कहीं ना कहीं मंशा रखी है कि जो आम आदमी तक जो योजना है जिसका लाभ पहुँचे, उस योजना पर सरकार का पूरा फोकस है। और केवल दिखावे के लिए, जिस तरह की उन्होंने कहा कि पिछली सरकार में जिस तरह की अन्नपूर्णा योजना का जो योजना लॉन्च की गई थी, और जिस तरह की उसमें मसाले या दूसरी चीज़ें थी, जैसा कि उन्होंने आरोप लगाए, इस तरह की योजनाओं को पूरा एग्जामिन किया जाएगा और जनता को अगर लाभ मिलेगा तो उस बारे में विचार किया जाएगा। बीकानेर से ATV भारत के लिए अरविंद व्यास।